हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग आज आप मेरे वीडियो में आपका स्वागत है सो so, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वाइटल साइंस वाइटल साइंस क्या होते हैं और उसके कौन से कौन से वाइटल साइंस होते हैं उसमें टेम्परेचर पल्स बीपी ये सब देखेंगे अपन होता क्या है टेम्परेचर कैसे लेते हैं कौन सी साइड से लेते हैं क्या सब ये सारा अपन इस वीडियो में देखेंगे सो so, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में सो लेट्स गेट टू द स्टडी सो वाइटल साइन क्या होते हैं वाइटल साइन क्या होते हैं वाइटल साइन जिसको दूसरा नाम बोलते हैं गार्डिलन साइन बोल दो या फिर ऑब्जेक्टिव डाटा बोल दो ठीक है ओवर्ड डाटा ठीक है जो अपन देखेंगे सो वाइटल साइन क्या होते हैं वाइटल साइन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी चेंज इन बॉडीज वाइटल ऑर्गन मीन्स जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के जो ये सारे हैं हार्ट किडनी ब्रेन लंग्स एंड लीवर सो ये वाइटल्स ऑर्गन है इनके अंदर कोई भी चेंजेस आएगा वो भी चेंजेस आएगा सो so, वो रिफ्लेक्ट होकर अपन को इन सब चीज़ों में दिखेगा किस में जैसे टेम्परेचर बी पी टेम्परेचर राइज हो गया ब्लड प्रेशर इम्बेलेंस हो गया और ये सब सो so, इसके थ्रू अपन जान सकते हैं कि अपने बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है सो so, अपन इसके अंदर देखेंगे सो so, क्या होता है कि फर्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर होता है बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस मीन्स क्या जो अपन अपनी बॉडी होती है उसके अंदर हीट प्रोडक्शन भी होता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू और हीट लॉस भी होता है ठीक है इन दोनों का जो बैलेंस होता है इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो अपनी बॉडी मेंटेन करती है और इसको बैलेंस बना के रखती है वो होता है टेम्परेचर मीन्स बॉडी टेम्परेचर ठीक है नेक्स्ट है पल्स पल्स क्या होता है पल्स होता है द राइज द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लड वेसल्स मीन्स क्या द राइज़ ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ़ ब्लड वेसल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है ब्लड फ्लो होगा उसकी वजह से तो राइज एंड फॉल होगा ये पल्स के अंदर वो ही पल्स होती हैं मीन्स ब्लड प्रेशर में देखते हैं जो अपने हर्ट होता है वो ब्लड को पम्प करता है ठीक है पम्प करेगा तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा देन जो ब्लड फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो राइज हो रही हैं और फॉल हो रही हैं तो उस चीज़ को असेस करना उस चीज़ को क्या बोलते हैं पल्स ठीक है अब रेस्पायरेशन क्या होता है वट इज़ रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस रेस्पायरेशन क्या होती है इट इज़ अ प्रोसेस इन टू टू इनहेल ओ टू एंड रिमूव या एग्जेल सीओ टू मीन्स क्या कि जो जो ऑक्सीजन है वैसे तो लेते हैं एयर एयर का एक्जेल और इनहेल ये होता है रेस्पायरेशन बट ये तो होता है ब्रीथिंग बट रेस्पायरेशन अपन देख रहे हैं तो उसके अंदर ओ टू ओ टू होता है ना ओ टू का इनहेल और किसका एक्जेल या रिमूव सी ओ टू का ठीक है ये होता है रेस्पायरेशन अब ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है जो ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर ब्लड फ्लो की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उनकी वॉल्स पे ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर ठीक है ये ये चार वाइटल वाइटल साइंस होते हैं ठीक है पहले बट अब न्यू जो फिफ्थ एडिशन हो गया है किसका फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है वो है पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना पेन पेन क्या होता है इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम मींस कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं पेन ठीक है ये होते हैं वाइटल साइन अब इसके अंदर देखेंगे अपन कि इसका सीक्वेंस कैसे है ठीक है जो टेम्परेचर पल्स या रेस्पायरेशन लेने का सीक्वेंस क्या है नॉर्मल में कब एब नॉर्मल में कब लेते हैं या जिसको बोल सकते हैं एमरजेंसी कंडीशन में कैसे ले सकते हैं सो so, इसमें देखेंगे अपन वाइटल साइन का मेजरमेंट जो कैसे लेंगे सो रूटीन वाइटल साइन रूटीन या जिसको बोलते हैं नॉर्मल रूटीन नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन को लेने का क्या है वो है कि टी पी आर ये पी है टी पी आर बी पी मीन्स क्या टेम्परेचर फिर पहले लेंगे टेम्परेचर देन पल्स फिर रेस्पायरेशन फिर ब्लड प्रेशर ऐसे मेजर करते हैं रूटीन वाइटल साइन ठीक है नॉर्मल कंडीशन में इफ अगर एमरजेंसी कंडीशन हो देन वाइटल साइन लेंगे सो तो उस टाइम पे अपन सबसे पहले लेंगे पल्स ये प्रायरटी बेस्ड है अकॉर्डिंग टू प्रायरिटी है ठीक है सो उस टाइम पे सबसे लेंगे सबसे पहले लेंगे पल्स पल्स मेजर करेंगे देन फिर रेस्पायरेशन फिर ब्लड प्रेशर एंड देन टेम्परेचर ठीक है ये होगा इमरजेंसी कंडीशन में ठीक है अब न्यू बॉर्न है या कोई भी बेबी बर्थ हुआ है ठीक है उस टाइम पे जो न्यू बॉर्न है उसका रेस्पायरेशन या जो वाइटल साइन है वो कैसे लेंगे सो उसमें सबसे पहले देखते हैं अपन रेस्पायरेशन देन पल्स देन टेम्परेचर देन ब्लड प्रेशर बी ठीक है ये था ठीक है अब अपन देखते हैं जो ये टेम्परेचर पल्स बात कर रहे हैं अपन इसकी जो उसका नॉर्मल रेंज कितने होता है नॉर्मल कंडीशन में ठीक है सो उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है नॉर्मल वाइटल साइन में क्या होगा जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस के अंदर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और फेरेनाइट के अंदर नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरेनाइट ठीक है याद रखना है ये ठीक है नेक्स्ट क्या है पल्स पल्स क्या है सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट ये तो एक एवरेज ले ली ठीक है बट इसकी रेंज में बात करें रेंज में होता है सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट जी याद रखना है ठीक है अब देखते हैं रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन कितना होता है नॉर्मल नॉर्मल होता है ट्वेल्व टू ट्वेंटी ब्रीथ पर मिनट ठीक है ये नॉर्मल रेस्पायरेशन है अब है इसका ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर है वन ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम ऑफ एच जी मीन्स एम एम ऑफ एच जी में कितना आएगा वन ट्वेंटी बाई एट्टी और किलो पासकल ये भी यूनिट होती है यूनिट वाइज देखेंगे तो अलग अलग चेंजेस होंगे तो किलो पासकल के अंदर देखेंगे तो कितना होगा सिक्सटीन बाई इलेवन सिक्सटीन बाई इलेवन किलो पासकल ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अगर आपको ये पूछ ले किलो पासकल में तो ये जवाब देना है और अगर एम एम एच जी में पूछ ले तो ये आंसर करना है ठीक है ये तो अपन ने नॉर्मल देख लिया इसके ब्लड प्रेशर के ये रेस्पायरेशन के टेम्परेचर ते, पल्स के जो नॉर्मल रेंज कितने होती हैं ठीक है सो so, यहाँ तक अपन ने ये सारा देखा वाइट, वाइटल साइन ये अपने इंट्रोडक्शन देख लिया इनका कैसे कैसे होता है अब अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल में और फिर पल्स रेस्पिरेशन ये कहाँ से लेते हैं कितना रेस्पिरेशन होता है कैसे होता है कैसे सो तो ये सारी ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अपन एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के वाइज पढ़ेंगे सो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा टेम्परेचर hmm, पे सो so, अभी तक और यहाँ तक जिसको भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है मैं रिप्लाई करूँगा एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिए टेक केयर